सभी बच्चे ध्यान दें, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करवाई जा रही है। सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ें लिखें और याद करें। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन सेकंड, लेसन का नाम कंप्यूटर के प्रकार है। आज इस वीडियो में आपका सेकंड लेसन कंप्लीट करवाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से लिखें और याद करें। फर्स्ट सही विकल्प चुनें। का एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है। खा मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। गा कंप्यूटर के सभी भागों को हम दो भागों में बांटते हैं। घा सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है। ईरा हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट कहते हैं। इसके आगे होगा आपका सेकंड, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कंप्यूटर द्वारा दिया जाने वाला परिणाम आउटपुट कहलाता है। खा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का आंतरिक भाग है। गा कंप्यूटर को सूचना देने के लिए हम कुछ डिवाइसेज का प्रयोग करते हैं। घा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डाटा इनपुट कहलाता है। ऋणा सीपीयू कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके आगे होगा आपका थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? आंसर फर्स्ट, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं एवं छू सकते हैं वह भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस सीपीयू प्रिंटर आदि। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर के सभी भागों को कितने भागों में बांटा जाता है? आंसर सेकंड, कंप्यूटर के सभी भागों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट हार्डवेयर सेकंड सॉफ्टवेयर। इसके आगे होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? आंसर थर्ड, प्रोसेसिंग हमारे द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों एवं सूचना को कंप्यूटर भाषा में डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर इस डाटा पर कार्य करता है, इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर के किन्हीं दो आंतरिक भागों के उदाहरण लिखिए। आंसर फोर, कंप्यूटर के आंतरिक भाग फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर सेकंड मदरबोर्ड। ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे ध्यान से लिखें और याद करें। धन्यवाद।